घी ले लो, शुद्ध देसी गाय का घी ले लो, घी ले लो। ओहो विमला, 1 किलो घी तोल दो। क्या दीदी, सिर्फ 1 किलो? देखिए आप कितनी पतली होती जा रही हैं। थोड़ा रोटी पे घी लगा के खाया कीजिए और फिर देखिए आपकी तबीयत कितनी मस्त हो जाएगी। ठीक है ठीक है, तुम 2 किलो ही तोल दो। ये हुई ना बात दीदी। विमला ने 2 किलो घी तोल दिया और वो खुशी खुशी आगे बढ़ती रही। रास्ते में उसे कई ग्राहक मिले। आज उसका घी का व्यापार बहुत अच्छा हो रहा था और अब उसके पास सिर्फ थोड़ा सा घी ही बचा था। थोड़ी दूर चल के उसे दिन का आखिरी ग्राहक मिल ही गया और अब उसका सारा घी खत्म हो चुका था। विमला खुशी खुशी लौट रही थी कि तभी उसे एक छोटे बच्चे ने आवाज दी। विमला काकी, घी है क्या? नहीं बेटा, घी तो खत्म हो गया। ठीक है काकी, कल आप ज्यादा घी ले आना। हाँ लला, कल तुम्हें घी जरूर दूंगी। घी का खाली डिब्बा लेकर विमला अपने घर पहुंची और उसने पैसे गिनने शुरू किए। ज्यादा पैसे देख वो बहुत खुश थी। आज तो बहुत अच्छी कमाई हो गई, लेकिन आज मेरा एक ग्राहक खाली हाथ लौट गया। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कल से मैं ज्यादा घी बनाऊंगी ताकि कोई भी खाली हाथ ना लौटे। अगले दिन विमला ने घी मथना शुरू किया। जैसे जैसे घी बनता गया, विमला का डिब्बा भरता गया। अब डिब्बा 3/4 भर चुका था और विमला के पास का सारा दूध खत्म हो गया। अरे ये क्या, आज भी डिब्बा पूरा नहीं भरा। अगर आज मेरा एक भी ग्राहक खाली हाथ चला गया तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। नहीं, आज मेरा कोई भी ग्राहक वापस नहीं लौटेगा। विमला भीतर से एक वनस्पति तेल का डिब्बा ले आई और उसने घी में तेल मिला दिया। अब कोई खाली हाथ वापस नहीं जाएगा। घी ले लो, घी ले लो, शुद्ध देसी गाय का घी ले लो, घी ले लो। काकी, 1 किलो घी दे दो। हाँ लल्ला, कल तुम्हें घी नहीं मिला ना, आज थोड़ा ज्यादा ही ले लो। विमला ने बच्चे को घी दे दिया और वो आगे बढ़ गई। ऐसे ही विमला बाकी लोगों को भी अपना घी बेचने लगी। आज का दिन तो बहुत अच्छा है, मुझे अच्छे पैसे मिल रहे हैं। वो हलवाई सुरेश के घर के बाहर पहुंची। घी ले लो, घी ले लो। विमला दीदी, 3 किलो घी दे दो। हाँ हाँ सुरेश, लेकिन आज 3 किलो, कोई दावत है क्या? हाँ, मुखिया जी के घर में दावत है, उन्हीं के लिए गाजर का हलवा बना रहा हूँ। अच्छी बात है। विमला ने 3 किलो घी दे दिया और वो वहाँ से चली गई। विमला खुश थी कि आज उसका कोई भी ग्राहक खाली हाथ नहीं लौटा। हलवाई सुरेश ने गाजर का हलवा बनाया और अब वो हंडी लेकर मुखिया जी के घर पहुंचा। मुखिया जी के घर पर बहुत सारे लोग भोजन के लिए आए थे। हलवाई सुरेश ने उन्हें अपना हलवा परोसा। उनमें से एक व्यक्ति ने वो हलवा खाया। भाई सुरेश, क्या हो गया आज तुम्हारे हलवे को? पहले जैसा स्वाद ही नहीं है इसमें तो।
लगता है आज सुरेश का ध्यान भटक गया था। नहीं नहीं, लगता है मुखिया जी ने सुरेश को पैसे नहीं दिए। सभी लोग हंसने लगे और मुखिया जी सुरेश को घूरने लगे। अब सुरेश ने हलवा चखा तो उसे कुछ गड़बड़ लगी। उसने फिर से हलवा चखा। मैंने तो सब चीजें बराबर ही डाली थी, कहीं ये विमला दीदी के घी की वजह से तो नहीं। अगले दिन सुरेश विमला के घर पहुंचा। वहां उसने देखा कि विमला घी में वनस्पति का तेल मिला रही थी। विमला दीदी, इतनी बड़ी धोखाधड़ी, आप शुद्ध घी में वनस्पति तेल मिला रही हैं? आप धोखेबाज हैं। आपके कारण आज पहली बार गांव वालों ने मेरे हलवे की खिल्ली उड़ाई। मैं सारे गांव वालों को तुम्हारी धोखाधड़ी के बारे में बता दूंगा। अरे सुरेश, मेरी बात तो सुनो। सुरेश ने विमला की बात नहीं सुनी और वो वहां से चला गया। सुरेश ने गांव वालों को ये बात बता दी कि विमला ने मिलावट की है, और अब जब विमला घी लेके निकली, दीदी घी ले लीजिए। नहीं नहीं, तुम्हारा घी नहीं चाहिए। घी के नाम पे मिलावटी वनस्पति तेल बेचती हो, चली जाओ यहाँ से। ये बातें सुन विमला को अपनी धोखाधड़ी पर बहुत गुस्सा आया। मिलावट करने से उसके सारे ग्राहक टूट गए और अब कोई भी विमला से घी नहीं खरीद रहा था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कर बुरा तो हो बुरा, ईमानदारी एक बहुमूल्य गुण है।